दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में बस्तर आईजी सुंदरराज पी के निर्देशानुसार जिले में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत दो माओवादियों को गिरफ्तार किया है। माओवादी अरनपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है और पकड़े गए माओवादियों के कब्जे से विस्फोटक सामग्री बरामद की है। दोनों नक्सलियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। दंतेवाड़ा में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत दिनांक 20 मई 2024 को थाना अरनपुर के ग्राम नीलावाया कोटाली केसापारा क्षेत्र में नक्सल गश्त सर्चिंग एवं रोड निर्माण सुरक्षा ड्यूटी हेतु डीआरजी दंतेवाड़ा थाना अरनपुर 111वीं वाहिनी सीआरपीएफ जी कंपनी एवं सीएफ कैंप कोटाली का संयुक्त बल रवाना किया गया था कि वापसी के दौरान केसापारा कोटाली मोड़ के पास दो संदिग्ध व्यक्ति पुलिस पार्टी को देखकर लुक छिप कर भागने लगे, जिन्हें पुलिस पार्टी द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। पकड़े गए संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा पूछताछ करने पर अपना नाम क्रमशः पूंगा उर्फ गट्टुम सोड़ी एवं जोगा कुड़ामी निवासी पोरदेम थाना गादीरास जिला सुकमा का होना एवं प्रतिबंधित माओवादी संगठन में पोरदेम मिलिशिया सदस्य के पद पर कार्य करना बताया। के कब्जे से एक नग टिफिन बम वजनी 3 किलोग्राम, दो नग डेटोनेटर, बिजली वायर एवं नक्सल पर्चा तथा अन्य वस्तुएं बरामद की गई। इनके विरुद्ध थाना अरनपुर में पूर्व से छत्तीसगढ़ जन सुरक्षा अधिनियम एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध होने से आज दिनांक 21 मई 2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।